अभी अभी रिलायंस जियो से खबर मिली है मेरे को, वो ये है कि जो इनके टैरिफ प्लान है ये सारे रिवाइज होने वाले हैं 19th ऑफ अक्टूबर से। तो इन लोगों ने एक नया ऑफर लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, जिसमें आपको 100% का जो है कैशबैक मिलेगा अगर आप 399 का जो रिचार्ज है वो करा लेते हैं 12th ऑफ अक्टूबर से लेके 18 अक्टूबर तक, मतलब कल से 12th अक्टूबर से 18th अक्टूबर के बीच में अगर आप 399 का जो रिचार्ज है वो करा लेते हैं, इसको आप मल्टीपल टाइम्स भी करा सकते हैं। अब मैं आपको इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन समझाता हूँ। सो गाइस, जियो ने इस ऑफर का नाम दिया है जियो दिवाली धन धनाधन ऑफर। इसमें ऐसा है कि जो इनके अभी टैरिफ प्लान चल रहे हैं मार्केट में, जो आपको माय प्लान्स में दिख जाएंगे, ये सारे जो है रिवाइज होने वाले हैं 19th ऑफ अक्टूबर से। मतलब अभी ऐसा होता था कि आपको स्पेशल बेनिफिट बताया जाता था पहले रिचार्ज पे, लेकिन अभी वो चीज नहीं थी। अभी आप जितनी बार रिचार्ज कराते थे उतनी बार आपको बेनिफिट्स मिल जाते थे। तो रिलायंस जियो ने यही सोच के जो है एक नया ऑफर निकाला है, जिसमें बोल रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग टैरिफ प्लान्स है उसको आप लॉक कर सकते हैं, और इवन अगर आप 12 से 18 अक्टूबर के बीच में 399 का जो है रिचार्ज करते हैं तो आपको जो है 399 वापस मिल जाएंगे। अब वापस कैसे मिलेंगे मैं आपको वो समझाता हूं। सो गाइस, ये जो ऑफर है वो 399 वाले प्लान में है। अगर आप 399 का वाउचर खरीदते हैं माय वाउचर सेक्शन में, या फिर 399 के मल्टीपल रिचार्जेस करा लेते हैं आपके नंबर पे, तो होगा ये कि आपको 8 वाउचर और मिल जाएंगे 50-50 रुपीज के, जो कि आपको माय वाउचर वाले सेक्शन में मिलेंगे, और फिर इसको आप रिडीम कर सकते हैं 15th ऑफ नवंबर के बाद। मतलब घुमा फिरा के बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊं तो 399 का अगर आप रिचार्ज करेंगे कल यानी 12th ऑफ अक्टूबर से लेकर 18th ऑफ अक्टूबर को, तो होगा ये कि वो रिचार्ज के बाद आपको 850 रुपीज के वाउचर मिल जाएंगे माय वाउचर सेक्शन में, और 15 नवंबर के बाद आपकी माय जियो में आएगा एक अपडेट। तो जब भी आप दूसरे कोई रिचार्ज करेंगे 309 या उससे ज्यादा के, तो आपको वो 50 रुपीज माइनस हो जाएंगे जब भी आप वो रिचार्ज करेंगे 8 बार। ये आप यूज कर सकते हैं लेकिन अलग अलग रिचार्जेस पे, और ये जो चीज है ये आप कर सकते हैं माय जियो ऐप से, jio.com से, जियो स्टोर से, रिलायंस डिजिटल स्टोर से, तो जहां से भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इवन आप ये मल्टीपल बार करा सकते हैं, क्योंकि अभी अभी जो अंदर खबर मिली है वो ये है कि 19th अक्टूबर के बाद जो टैरिफ प्लान है वो होने वाले हैं रिवाइज, तो शायद इनके रेट्स बढ़ जाएं या फिर और कुछ नई चीजें आए तो वो हमको 19 के बाद ही पता चलेगी। बट अभी रिलायंस जो ये ऑफर दे रहा है कि जो पुराने प्लान है उसको आप लॉक करा सकते हैं। अब एक बात आपको डाउट में होगा कि जब भी आप रिचार्ज कराने जाते हैं माय जियो ऐप में, वहां पे वो बताता है कि स्पेशल बेनिफिट फॉर ओनली फर्स्ट रिचार्ज, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। 399 का जितनी बार रिचार्ज कराएंगे 3-3 महीने के हिसाब से आपको वैलिडिटी मिलती जाएगी, और वो क्यू में जाता जाएगा। जब भी आपका पहले रिचार्ज खत्म होगा उसके बाद ही सेकंड स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 3 बार रिचार्ज करा लिया 399 का तो आपको जो है वो 3 बार एक साथ ही प्लान स्टार्ट हो गए, एक के बाद ही एक स्टार्ट होंगे, और 3 बार अगर आप रिचार्ज करा लेंगे तो 400 400 400, तो टोटल मिला के आपको 1200 रुपए की जो 50-50 रुपए के वाउचर्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे आपके माय वाउचर वाले सेक्शन में, ताकि जब आप फ्यूचर में कोई भी रिचार्ज कराएंगे तो 50 रुपए आपको डायरेक्टली कैशबैक मिल जाएगा पेमेंट करते टाइम। तो गाइस, ये सारी बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बताया। और गाइस, इसी तरह की और एक्सक्लूसिव और ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन के लिए सिट टॉक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप इसको लाइक करिए।